असमान वर्ग अंतराल के लिए आयत चित्र। अब हम एक अलग स्थिति पर विचार करते हैं। यहाँ एक कक्षा में विज्ञान विषय में 100 अंकों में से विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। सारणी क्रमांक 7, 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है। 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है। 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 है। 70 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है। दी गई सारणी से स्पष्ट है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 एवं 70 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है। यहाँ आंकड़े विभिन्न माप वाले वर्ग अंतराल में दिए गए हैं। प्रथम वर्ग अंतराल की माप 20, अंतिम की 30 तथा शेष अंतराल की 10 है। अब कोई विद्यार्थी इस सारणी का आयत चित्र इस प्रकार बनाता है, क्या यह आयत चित्र ठीक है? यहाँ वर्ग अंतराल असमान है, तो हमें आयत चित्र बनाते समय उन्हें समान वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। जैसे प्रथम वर्ग हेतु जब वर्ग अंतराल 20 है तो आयत की लंबाई 8 है, इसलिए वर्ग अंतराल 10 है तो आयत की लंबाई बराबर 8/20 × 10 = 4 है। इसी प्रकार अंतिम आयत का वर्ग अंतराल 30 है तो आयत की लंबाई बराबर 9/30 × 10 = 3 होगी। वह शेष वर्ग का अंतराल 10 ही है तो हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः हम किसी भी आयत की लंबाई निम्न तरीके से बदल सकते हैं। आयत की लंबाई बराबर बारंबारता बटा वर्ग की चौड़ाई गुणित वर्ग की न्यूनतम चौड़ाई। इस प्रकार हमें प्रत्येक स्थिति में 10 वर्ग अंतराल पर आयत की लंबाई प्राप्त हुई। अतः परिवर्तित लंबाई वाला सही आयत चित्र इस प्रकार होगा। बहुलक निर्धारण की बिंदु रेखी विधि, ग्राफिकल मेथड टू लोकेट मोड। आयत चित्र के माध्यम से असमावेशी अपवर्जी वर्ग के आंकड़ों के लिए बहुलक का निर्धारण भी किया जाता है, जैसे सारणी क्रमांक 8। 0 से 10 वर्ग की आवृत्ति 3 है, 10 से 20 वर्ग की आवृत्ति 5 है, 20 से 30 वर्ग की आवृत्ति 7 है, 30 से 40 वर्ग की आवृत्ति 4 है, 40 से 50 वर्ग की आवृत्ति 3 है, 50 से 60 वर्ग की आवृत्ति 1 है। चरण 1, दिए गए आंकड़ों से आयत चित्र बनाइए। चरण 2, सबसे अधिक ऊंचाई वाले आयत को बहुलक वर्ग का आयत माना जाता है। बहुलक वर्ग के आयत के ऊपरी बाएं कोने को उसके अगले आयत के बाएं कोने से मिलाइए। इसी प्रकार बहुलक वर्ग के आयत के ऊपरी दाएं कोने को इससे पहले आयत के ऊपरी दाएं कोने से मिलाइए। चरण 3, चरण 2 में दिखाई गई दोनों मिलान रेखाएं जिस बिंदु पर कटती हैं उस बिंदु से x अक्ष पर लंब खींचिए। चरण 4, लंब रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बहुलक का मान होता है। यहाँ यह मान 24 प्राप्त हो रहा है, अतः आंकड़ों के बहुलक का मान 24 होगा।